Hello friends, here is another lecture on binary tree. Is a technique to convert an expression into binary tree. सबसे पहले एक expression है हमारे पास जो operator और operands का एक combination है. सबसे पहले हमें problem क्या आती है कि इतने सारे operators हैं तो इनमें हमें root node क्या बनाना. और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है binary tree में, जितने भी हमारे पास operators होंगे वो हमारे सारे रूट नोड या इंटरमीडिएट नोड्स होंगे, और जितने भी हमारे ऑपरेंड्स हैं वो हमारे सारे लीफ नोड पे रहेंगे. फाइन करेंगे तो एक ये प्रेसिडेंस चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. तो इसमें एक छोटा सा एक और एडिशनल हम देख लेते हैं कि जो एक्सपोनेंट साइन है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, तो और ये आर एल एल आर एल आर मैंने इसलिए लिखा है कि जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइक माइनस और प्लस है, सेम प्रायोरिटी पे हैं, तो हम इन्हें किस तरीके से डील करेंगे. प्रायोरिटी तो है बट इनमें से पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे या फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को. तब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की. एसोसिएटिविटी क्या होती है, जब दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हमारे पास हैं तो वो हमें बताती है कि कौन सा वाला ऑपरेटर हमें पहले लेना है. फाइन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट टू लेफ्ट, और जो सेकंड प्रायोरिटी है हमारा एस्ट्रिक और डिवाइड वो लेफ्ट टू राइट, और ये भी हमारा लेफ्ट टू राइट रिवर्स करता है. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है लेट स्टार्ट टू. तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या है, एस्ट्रिक. तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे. फाइन, तो हमने इस पर डाल दिया नंबर वन. ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे राइट टू लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट एक्सप्रेशन का है और ये राइट हमारे एक्सप्रेशन का. फाइन, और फिर है हमारे पास एस्ट्रिक और डिवाइड साइन, वो हमारा चलेगा लेफ्ट टू राइट. तो हम देखेंगे यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाना है, यहाँ से चलते हुए सबसे पहले हमें क्या मिला है, डिवाइड साइन. तो हम यहाँ पे डाल देंगे नंबर टू. फिर इसके बाद फिर चलते हुए थ्री, क्योंकि ये सेम प्रायोरिटी के थे, ये दोनों ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं, तो हमें लेफ्ट में जो सबसे पहले मिला वो हमने नंबर टू डाल दिया है, और जो सेकेंड नंबर पर मिला वो हमने नंबर तीन डाल दिया है. फाइन, फिर अब क्या बचा हमारे पास, माइनस और प्लस साइन बचा है. तो अब देखेंगे इसको हम प्लस और फिर राइट लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे. लाइक स्टार्टिंग में हमें माइनस मिला, थ्री तक हम पहुंच गए, तो यहाँ पे नंबर फोर डाल देंगे हम और यहाँ पे नंबर फाइव. फाइन, तो जो अब यहाँ पे फाइव नंबर जब आ गया है तो इट मींस ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है हमारी. फाइन, जब सबसे लोवेस्ट हमें मिल गया है तो हम इसको उठा के क्या बना देंगे, इसको हम रूट नोड बना देंगे. ये हमें रूट नोड मिल गया हमारा. अब इसकी हेल्प से, जब हमने नंबरिंग कर लिया है पूरा, अब इसकी हेल्प से हम ट्री कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे. तो ट्री में क्या है, ये तो हमें रूट नोड मिल गया, ये पूरा हमारा लेफ्ट ट्री बन जाएगा और ये हमारा पूरा राइट ट्री बनेगा. फाइन, तो स्टार्ट करते हैं प्लस, लेफ्ट में क्या रहेगा हमारा पूरा एक्सप्रेशन, दैट इज ए माइनस बी डिवाइड सी पार डी. ओके, एंड ई एफ. फाइन, अब फिर से हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, फिर से हम देखेंगे या दोबारा से यही वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास तो फोर टू और वन. तो हम फिर से इसको देखेंगे. अब ये है, यहाँ पे फोर लिखा है मैंने, तो ये हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी मिल गई है. लीस्ट प्रायोरिटी को हमें क्या करना है, फिर से नोड बना देना है. अब नया ट्री हमारा क्या बनेगा, नया ट्री होगा प्लस माइनस, ये लेफ्ट पोर्शन रहेगा, ये राइट पोर्शन में रहेगा,
लेफ्ट में हमारे पास क्या है, ए, ओके, और राइट में हमारे पास बी डिवाइड सी पार डी, ये हमारा राइट मोड बन गया। और राइट में यहाँ पे हमारे पास ई एस्ट्रिक एफ, ठीक है। फिर अब इतना पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब बात आई यहाँ पे, फिर से हम यहाँ इन दोनों में चेक करेंगे, ये हमारे पास 1 और 2, सेम नंबरिंग जो हमारी यहाँ पे चल रही थी ऊपर से। फिर ट्री हमारा क्या बनने वाला है, प्लस माइनस ए ई एस ट्रिक एफ। तो यहाँ पे हम जो ये हमारा जो जहाँ पे नंबर 2 लिखा है मैंने, ये हमारा रूट नोड बन जाएगा, दैट इज डिवाइड साइन, इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट ट्री और राइट वाला राइट ट्री। तो लेफ्ट में हमारे पास बी है और राइट में हमारे पास क्या है, सी डी, ठीक। अब इस पे नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बच गए हैं। तो अब लास्ट फाइनल ट्री हमारे पास क्या आएगा, वो होगा इज एक्सपोनेंट सी और डी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ट्री हो गया। जो एक्सप्रेशन का एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज ए प्लस बी प्लस सी एस्ट्रिक डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड जी। अगर मुझे इसे नंबरिंग करना है तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे इसमें, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस्ट्रिक हमारे पास नहीं है यहाँ पर, और फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये मेरा लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट 1 एंड 2। फिर हमारे पास बचा है प्लस और माइनस, तो लेफ्ट टू राइट 3, 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट नोड, इसको हम रूट बना देंगे। अब जब हमें रूट मिल गया है तो आई होप कि आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे।